हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड इंजीनियर स्टूडियो चैनल। तो आज की जो वीडियो है, आप लोगों का काफ़ी मैसेज आया हुआ था कि ग्राउंड प्लस टू का आपको एस्टिमेशन का वीडियो बनाने के लिए। तो आज का जो वीडियो है वो 1200 स्क्वायर फीट का ग्राउंड प्लस टू का एस्टिमेशन का वीडियो है। आप अगर ग्राउंड प्लस टू बनवाते हैं घर तो आपको क्या खर्च आएगा, तो उसी का ये डिटेल वीडियो है। काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और काफ़ी लोगों का ये डिमांड था कि ग्राउंड प्लस टू का बनाने के लिए वीडियो, ठीक है। अगर आपका भी कोई क्वेरी होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कौन सा प्लॉट का आपको एस्टिमेशन का वीडियो चाहिए, हम लोग जरूर से अपलोड करेंगे। तो आज का जो वीडियो है, देखिए 1200 स्क्वायर फीट का है ग्राउंड प्लस टू का, यानी टोटल 3 फ्लोर, ठीक है। तो अब ये एस्टिमेशन है कि आपको बेसिकली आपके डिपेंड करता है क्या प्लानिंग है आपके, लेकिन एक ओवरऑल आपको एवरेज मिल सकता है कि क्या आपका खर्च आ सकता है। अगर 1200 स्क्वायर फीट आपका घर है और ग्राउंड प्लस टू बनवाते हैं आप, तो ग्राउंड प्लस टू में आपको क्या खर्च आ सकता है, तो उसी के डिटेल वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का प्लॉट है 30x40, बिल्ट अप एरिया भी सेम है 30x40, यानी 1200 स्क्वायर फीट। ग्राउंड प्लस टू हो गया, एरिया डिफरेंस जीरो है, मतलब जितना हमारा प्लॉट एरिया है पूरे में बिल्ट अप एरिया है, कोई भी ज़मीन छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ आ रहा है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ग्राउंड फ्लोर का 968 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर यानी अबव बनवा रहे हैं तो आपको 636 रुपये पर स्क्वायर फीट आ रहा है खर्च। और ये देखिए टोटल बिल्ट अप एरिया में 3600 दिखाया गया, मतलब 1200 ग्राउंड फ्लोर का, 1200 फर्स्ट फ्लोर का और 1200 सेकेंड फ्लोर का, यानी टोटल आपको 3 फ्लोर मिला गया, 3600 आपको टोटल बिल्ट अप एरिया हो गया, ठीक है। देखिए टोटल अप्रॉक्स कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको आ रहा है 26,89,800 रुपये। अगर ये प्लस माइनस हो सकता है, अप्रॉक्स आपको 26 लाख से 27 लाख रुपए आपको खर्च आ सकता है ग्राउंड प्लस टू में बनवाते हुए। 1200 स्क्वायर फीट आप घर बनवा रहे हैं तो अगर आप इस मंथ में स्टार्ट कर रहे हैं या अगले मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 26 से 27 लाख अप्रॉक्स आपको आ सकता है ग्राउंड प्लस टू में। और ये वेरी कर सकता है आपका क्या प्लानिंग है और आपकी बिल्डिंग क्या प्लानिंग है और किस टाइप का कॉलम दिया गया है, क्या कॉलम का साइज है, क्या बीम का साइज है, उस पर डिपेंड करता है। और क्या प्लानिंग है आपका, मतलब ग्राउंड पर क्या आप पार्किंग रखे हैं या फ्लैट बनवाए हुए हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो बाकी एक ओवरऑल आपको आ सकता है खर्च 26,89,000, मतलब 26 से 27 लाख आपको आ सकता है खर्च, ठीक है, लेबर कॉस्ट के साथ, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे कॉन्ट्रैक्टर रेट पर स्क्वायर फीट क्या लगता है। तो देखिए यहाँ पे 200 रुपये पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर का कॉन्ट्रैक्टर रेट है, और फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर बनवाते हैं तो आपको 135 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको कॉन्ट्रैक्टर आ सकता है, ठीक है, खर्च। बाकी आपकी तरफ क्या रेट है ये बताइएगा जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में। कॉन्ट्रैक्टर रेट ये अप्रॉक्स आपको 200 से 230-240 तक वैरी कर सकता है ग्राउंड फ्लोर का, और फर्स्ट फ्लोर का 130 से लेकर 150 तक आपको वैरी कर सकता है ये फर्स्ट फ्लोर के या सेकेंड फ्लोर के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड पे क्या लगेगा, फर्स्ट पे क्या लगेगा। यहाँ देखिए टोटल अप्रॉक्स कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर फिनिशिंग, फिनिशिंग के साथ आपको 43 लाख रुपये लग जाएगा, ठीक है, 43 लाख से 44 लाख तक एक बॉक्स आपको लग सकता है। बाकी वो डिपेंड करता है आप क्या फिनिशिंग करवा रहे हैं, किस टाइप का फिनिशिंग करवा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। और क्या आपका बिल्डिंग प्लानिंग है उस पर स्ट्रक्चर कॉस्ट डिपेंड करता है, और क्या किस टाइप का फिनिशिंग करवा रहे हैं उस पर ये फिनिशिंग कॉस्ट वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कॉस्ट है 26,89,000 जो ऊपर आपको दिखाया गया वीडियो में, और फिनिशिंग कॉस्ट है 16,89,000, ठीक है। अप्रॉक्स आपको 16-17 लाख रुपये फिनिशिंग पर खर्च आ सकता है, टोटल आपको खर्च आ सकता है 43,78,000, ठीक है, ये प्लस माइनस हो सकता है। बाकी ओवरऑल आपको आ सकता है ये कंप्लीट आप फिनिशिंग करवाते हैं तो आपको इतना खर्च आ सकता है इसी के आसपास। और जैसे मैं पहले बताया कि आपको बिल्डिंग प्लानिंग और फिनिशिंग पे डिपेंड करता है कि क्या खर्च आएगा टोटल, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर क्या मटेरियल लगेगा और फर्स्ट पर क्या लगेगा। यहाँ पर देखिए ग्राउंड फ्लोर के लिए एस्टिमेशन दिखाया गया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सीमेंट बैग है, सीमेंट बैग जो आपको 480 बैग सीमेंट बैग लग जाएगा ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। और रेट अगर आप 360 रुपये पर बैग ले रहे हैं तो आपको 1,72,000 का सीमेंट लग सकता है, जो कि 14 से 15% आपको सीमेंट बैग पे खर्च आता है। उसके बाद सैंड हुआ, सैंड जो हम लोग CFT में लेते हैं तो 3600 CFT आपको सैंड लग सकता है, और 40 रुपये पर CFT अगर आप ले रहे हैं, 40 से अगर 50 ले रहे हैं तो वो ये ज़्यादा पड़ेगा, अगर 40 ले रहे हैं तो 1,44,000 का आपका सैंड लग जाएगा, जो कि 12 से 13% अप्रॉक्स आपको खर्च आ सकता है सैंड पे। उसी तरह स्टील की बात करें तो यहाँ पे 5400 kg लगे, यानी 5.4 टन आपको स्टील लग सकता है, ठीक है।
तो देखिए स्टील यहाँ पे ये हो गया 5.4 टन, 61 रुपये आप ले रहे हैं पर केजी, तो आपको 3,29,000 का स्टील लग सकता है। ठीक है, उसी तरह ग्रेवल के बाद हुआ तो 2400 CFT आपको ग्रेवल लग जाएगा। अगर 70 रुपये पर CFT आप ले रहे हैं ग्रेवल यानी गिट्टी, तो आपको 1,68,000 का ग्रेवल पड़ जाएगा, यानी जो कि 14 से 15% अप्रॉक्स ये खर्च आता है ग्रेवल पे। और ब्रिक की बात करें तो 12,000 आपको ब्रिक लगेगा ग्राउंड फ्लोर पे। बाकी वो डिपेंड करता है कि आप क्या मतलब पार्किंग रखते हैं या फ्लैट बनवाते हैं, उस पर डिपेंड करता है ये। तो 9 रुपये पर ब्रिक ले रहे हैं तो आपको 1,08,000 का ब्रिक लग जाएगा। ये टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गया 9,22,000, टोटल लेबर कॉस्ट आ गया जो कि कॉन्ट्रैक्टर रेट है 2,40,000। ठीक है, 20% अप्रॉक्स है, 20 से 25% तक ये वेरी करता है लेबर कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आ गया 11,62,200 रुपये। ये ग्राउंड फ्लोर का आ गया कंप्लीट, ये प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा बहुत, आपका क्या प्लानिंग है उस पर। बाकी आपको 11,62,200 रुपये अप्रॉक्स आपको आ सकता है खर्च। ठीक है, जिसमें 2,40,000 लेबर कॉस्ट आ गया जो कि कॉन्ट्रैक्टर रेट है, और 9,22,000 आपको ये मटेरियल पे खर्चा जाएगा। और ये डिपेंड करता है आप किस रेट से ले रहे हैं, इस रेट से ले रहे हैं तो आपको ये लगेगा, नहीं तो आपको ये प्लस माइनस हो सकता है। अगर आप इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको ये प्लस हो सकता है, अगर इसके आसपास ले रहे हैं तो आपको ये आ सकता है अप्रॉक्स में। ठीक है, तो अभी तक कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अच्छा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो में आपको चाहिए एस्टिमेशन का वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट पे भी क्या लगेगा, फर्स्ट और सेकंड पे भी दोनों का इस वीडियो में अवेलेबल है। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर का है और सेकंड फ्लोर का भी सेम है। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों मिलाकर आपको 15,27,000 आपको खर्चा आ जाएगा। ये देखिए दोनों फ्लोर का लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर एंड एवव। ठीक है, इसमें अगर एक फ्लोर का ये यहाँ पे दिखाया गया, एक फ्लोर का आप देखिए कितना, सॉरी दोनों फ्लोर का ये लिखाया गया है 12 लाख मटेरियल कॉस्ट है और 3 लाख रुपये आपको लेबर कॉस्ट है। इन टोटल आपको 15,27,000 आपको फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे खर्चा जाएगा। इसमें दोनों का क्वांटिटी यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों का, दोनों फ्लोर मिलाकर आपको 720 सीमेंट बैग लगेगा, और रेट अगर 360 का ले रहे हैं तो आपको 2,59,000 का आपको सीमेंट बैग लगेगा। ये दोनों फ्लोर का है, दोनों फर्स्ट और सेकेंड का याद रखेगा ये। और सैंड यहाँ पर 7,200 CFT लगेगा फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर दोनों मिलाकर, और 40 रुपये पर CFT ले रहे हैं तो आप 2,88,000 का आपको सैंड लग जाएगा। उसी तरह स्टील की बात करूँ तो 6,000 KG आपको लगेगा दोनों फ्लोर में, यानी 3,000 फर्स्ट पे और 3,000 सेकंड पे है। तो 61 रुपये पर केजी आप ले रहे हैं तो 3,66,000 का आपका स्टील पे खर्चा आ जाएगा दोनों फ्लोर मिलाकर। ठीक है, ग्रेवल पे भी 1,680 CFT आपको खर्चा आ सकता है, और 70 रुपये पर CFT ले रहे हैं तो 1,17,000 का ग्रेवल पे आ जाएगा। ठीक है, ग्रेवल जो कि गिट्टी है। ठीक है, और ब्रिक पे यहाँ पे 19,000 ब्रिक आपको लग जाएगा, 9 रुपये पर ब्रिक ले रहे हैं तो आपको 1,72,000 का ब्रिक आ जाएगा ब्रिक पे खर्च। ये दोनों फ्लोर का, ये सारा रेट दोनों में फर्स्ट और सेकंड फ्लोर दोनों का है, जिसमें 16-17% आपको सीमेंट बैग पे खर्च है, 18% है दोनों फ्लोर मिलाकर, परसेंटेज बता रहे हैं यहाँ पे, ये है सैंड पे 18%, 23.96% स्टील पे है, उसे ग्रेवल और यहाँ पे ब्रिक। ठीक है, तो टोटल आपको 12 लाख का मटेरियल पे आ जाए खर्च फर्स्ट और सेकंड मिलाकर, और लेबर जो कि कॉन्ट्रैक्टर रेट है वो आ जाएगा 3,24,000 फर्स्ट और सेकंड फ्लोर दोनों मिलाकर। तो टोटल खर्च आ जाएगा आपको 15,27,600 रुपये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का। अगर थर्ड फ्लोर बनवाते हैं तो आपको इसका हाफ और लगेगा। ठीक है, और एक देख लेते हैं हम लोग कि फिनिशिंग में क्या खर्च आएगा, और फिनिशिंग डिपेंड करता है आपका किस टाइप का फिनिशिंग करवा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बाकी एक ओवरऑल यहाँ पर दिखाया गया वीडियो में, देखिए टोटल कॉस्ट यहाँ पे ग्राउंड प्लस टू का आ गया 26,89,000, ये स्ट्रक्चर कॉस्ट आ गया जिसमें 15,27,000 फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर का आ गया, और 11 लाख आ गया आपका ग्राउंड फ्लोर पर। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पर ज़्यादा वर्क होता है इसलिए यहाँ पर खर्च ज़्यादा आता है, और फर्स्ट और सेकंड पे आपको कम आता है। टोटल आपको ग्राउंड प्लस टू में 26,89,800 रुपये खर्च आ सकता है ये स्ट्रक्चर कॉस्ट पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिनिशिंग पे क्या खर्च आएगा। यानी देखिए एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फिटिंग्स एंड फिनिशर्स। ठीक है, अभी एक ओवरऑल आप देख सकते हैं, बाकी वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का फिनिशिंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिखाया गया एवरेज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।